हेलो गाइस, वेलकम टू कास्केटिक यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है फाइनली द ऑल न्यू टाटा कर्व डॉट ईवी और ये हमारे पास इसका टॉप एंड मॉडल खड़ा हुआ है एम्पावर्ड प्लस ए। ए मीन्स एडेस, और जो एडेस है वो सिर्फ आपको इसी मॉडल के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी अगर इसके वेरिएंट्स की बात करें तो टोटल इसके अंदर आपको 7 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। तो मेनली वो वेरिएंट्स डिवाइड किए गए हैं क्रिएटिव, अकम्प्लिश एंड एम्पावर्ड के अंदर। तो जल्दी से इसका इनडेप्थ रिव्यू करते हैं और देखते हैं आपको और क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं इस टॉप एंड मॉडल के अंदर। तो जल्दी से इसका वॉक अराउंड लेते हैं। फ्रंट से अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा बड़ा सा विंडो साइज एरिया, और जो इसके साइड पिलर्स हैं वो नेक्सॉन के मुकाबले थोड़े से स्लीक किए गए हैं क्योंकि जो इसकी विजिबिलिटी है उसके अंदर सुधार आ सके। उसके साथ ही आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स प्रोवाइड हो जाते हैं। एडस का कैमरा आपको दिया गया, एडस लेवल 2 इसके अंदर आपको प्रोवाइड हो जाता है। उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पे आपको फुल ऑन नेक्सॉन टाइप लुक देखने को मिलेगी फ्रंट से। बाकी जो मेनली चेंज देखने को मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जो नेक्सॉन का चार्जिंग पॉइंट है वो आपको साइड में देखने को मिलता है, लेकिन जो इसका चार्जिंग पॉइंट है वो आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। और जो टाटा का लोगो है वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है इन 2024 मॉडल्स। उसके साथ ही आपको फुल एडजॉइंट DRL देखने को मिलते हैं, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर जो स्टार्ट हो जाएंगे आपको अकम्प्लिश प्लस S से, और अकम्प्लिश प्लस S से ही आपको सनरूफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही वाइपर्स, ऑटोमेटिक लाइट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। और उसी के साथ ही जो एडजॉइंट आपको मिलती है लाइट वो सिर्फ आपको देखने को मिलेगी एम्पावर्ड के अंदर विद वेलकमिंग फीचर एंड गुड बाय फीचर। और जो चार्जिंग अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आपको ना स्लाइड जो बार है वो ऐसे स्लाइड हुई शो होगी कि कितनी चार्जिंग इसके अंदर हो चुकी है। तो ये भी बहुत बढ़िया फीचर है कि अगर चार्जिंग बार से देखनी हो तो बंदा देख सकता है। उसके साथ ही नीचे आपको कैमरा देखने को मिल जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा भी प्रोवाइड होता है, वो भी आपको अकम्प्लिश प्लस S से देखने को मिल जाएगा। और नीचे आपको थोड़ा सा क्रोम टिप की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है जो इसको बहुत ही बढ़िया लुक प्रोवाइड करती है। ऑटोमेटिक आपको लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, फुल LED सेटअप है। जो इसके फॉग लाइट्स भी हैं वो भी आपको LED देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ ये आपको कॉर्नरिंग फीचर के साथ भी प्रोवाइड हो जाते हैं, और साइड में आपको यहाँ पे वेंट्स देखने को मिलते हैं फॉर द गुड एरोडायनामिक्स। तो यही था इसके फ्रंट के बारे में, अब इसके साइड में आ जाते हैं। आपकी कार के लिए एक प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहूँगा जो आपकी कार के अंदर होना ही होना चाहिए, जो आपके इमरजेंसी के वक्त काम आएगा। तो ये है पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर अगारो की तरफ से। तो अब इसको एक्टिवा के ऊपर यूज करते हैं। पावर बटन दिया सेंटर में, होल्ड करके रखेंगे तो डिस्प्ले स्टार्ट हो जाएगी। डिस्प्ले के ऊपर आपको देखने को मिलेगा प्रेशर पॉइंट, बैटरी और मोड्स। मोड से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कितना प्रेशर पॉइंट सेट करना है। ये मैंने मोटरसाइकिल पे कर दिया, इसका प्रेशर पॉइंट कम करते हैं, 35 के आसपास भरा जाता है, तो ये मैंने 35 के आसपास सेलेक्ट कर लिया। जस्ट आपको होज कनेक्ट करनी है इसके साथ। मोड हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जस्ट हमने एक बार टैप करना है तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इसने 1 से 2 मिनट लिए हैं पूरा टायर को फिल करने के लिए, और जैसे ही ये बताए हुए प्रेशर पॉइंट पे पहुंचता है तो ये ऑटो कट ऑफ हो जाता है। बाकी बहुत ही पोर्टेबल एंड वर्सेटाइल प्रोडक्ट है ये। इसके अंदर आपको इनबिल्ट टॉर्च भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे इसका बटन दिया तो ये टॉर्च चालू होगी। SOS फीचर देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर आपको 2000 mAh की बैटरी मिलती है जिससे आप इमरजेंसी के वक्त अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं। और मुझे तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लगा। बाकी अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके बाय कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड लुक देखिए, जो मुझे सबसे बढ़िया लगती है ना वो इस साइड लुक की है, क्योंकि जो इसकी स्लोपिंग रूफ है, कूपे टाइप इसकी शेप है, वो सबसे बढ़िया लगती है। उसके बाद जो इसके बढ़िया लगते हैं वो लगते हैं इसके फ्लश डोर हैंडल्स, इसका डिजाइन ही बहुत बढ़िया। उसके साथ ही इधर की साइड अगर बात करें तो आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, 215x55R18। और अगर इसके क्रिएटिव मॉडल की बात करें उसके अंदर आपको 17 इंचेस के स्टील रिम्स मिलते हैं, और जो अकम्प्लिश है उसके अंदर आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। जो आपको ऑटो फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल OR मीन्स है वो आपको प्राइड हो गए अकम्प्लिश के अंदर, क्रिएटिव के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इसके साथ ही फ्रंट डोर हैंडल्स मैंने बता ही दिया, लेकिन फ्रंट डोर हैंडल्स के अंदर एक और बात है, लाइक जो इसके अंदर लाइट देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हर एक फोर डोर के अंदर लाइट आपको देखने को मिल जाती है। लाइक अगर नाइट का समय हो तो आपको इसके हैंडल्स ना लग रहे हो तो
तो इससे आपको ढूंढने में मदद हो जाएगी। स्लोपिंग रूफ जैसे कि मैंने बता दिया, ऊपर पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, शार्क फिन एंटीना प्रोवाइड हो जाता है और यहाँ पे ना हल्की सी स्पॉइलर लुक दी गई है जिससे इसकी स्पोर्टनेस और बढ़ जाती है। तो पीछे भी आपको सेम ही टायर साइज मिलता है, कोई भी अंतर आपको पीछे भी देखने को नहीं मिलता। अब इसके बैक पे आ जाइए, शार्क फिन एंटीना मैंने बता ही दिया था, उसके साथ स्पॉइलर लुक भी मैंने बता दी थी और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिफॉगर। इसके अंदर ना ही आपको वाइपर देखने को मिलता है, ना ही वॉशर देखने को मिलता है। मेनली इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसकी ना जो रूफ है वो स्लोपिंग है तो पानी अपने आप ही नीचे आ जाता है। कनेक्टेड टेल लाइट देखने को मिलती है, इसके अंदर भी आपको वेलकम फीचर मिलेगा जैसे नेक्सॉन के अंदर आया था, ऐसे जाके ऐसे वापस आ जाता है। और इंडिकेटर्स भी आपको साइड में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। पियानो फिनिश में आपको नीचे स्कर्डिंग देखने को मिलती है, टू पार्किंग सेंसर्स विद बैक पार्किंग कैमरा और उसके साथ ही कर्व डॉट ईवी की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है बड़ी सी, और टाटा का लोगो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया गया। जो हाई स्टॉप लैंप आता है ब्रेकिंग के समय वो यहाँ पे आपको दिया गया। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक प्लस गेस्चर कंट्रोल के साथ बूट मिलता है, वन क्लिक अप हो जाएगा, वन क्लिक की डाउन हो जाएगा, यहाँ पे डाउन का बटन दिया गया। और गेस्चर कंट्रोल भी मिलते हैं, लाइक अगर आप लेफ्ट स्वाइप करेंगे टाटा हैरियर के अंदर और टाटा सफारी के अंदर जो फीचर आया था कि नीचे से लेफ्ट स्वाइप करो तो खुल जाए, तो वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अभी स्वाइप कर दी गलती से तो ये बंद हो रहा है, कोई नहीं दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो इसके अंदर सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट प्रोवाइड हो जाता है, 500 लीटर्स की आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाती है जो इनफ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके साथ देखने को नहीं मिलेगी। बाकी बूट लैंप आपको दिया गया, ग्रॉसरी हुक्स दिए गए हैं चार आपको इसके अंदर, और स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको दोनों साइड देखने को मिल जाते हैं, JBL का सबवूफर, और उसके साथ ही जो व्हीकल टू लोड फीचर एंड व्हीकल टू व्हीकल है तो वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। लाइक आपको एक केबल खरीदनी पड़ेगी अलग से, एक्सेसरीज के अंदर आती है, तो चार्जिंग पॉइंट से ही आप दूसरी व्हीकल को चार्ज कर सकते हो, और जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो ये बटन दबाओगे तभी चार्जिंग वो डिलीवर करेगा, उसके अलावा ये डिलीवर नहीं करेगा। और एक और बात है, लाइक जो अगर इस कार की पावर है मान लो 50%, ठीक है, तो ये 20% ही चार्ज करेगा, 30% ये बैकअप रखता अपने पास, जैसे ही इसकी बैटरी 30% के आसपास पहुंच गई तो ये ऑटोमेटिकली व्हीकल टू लोड या फिर कह सकते हैं व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग करनी बंद कर देगा। ये एक तरह इनका सेफ्टी फीचर है कि जो इसकी बैटरी है वो खत्म ना हो जाए, ये थोड़ी बहुत चलने योग्य रह जाए। और यहाँ पे आपको पार्शल ट्रे देखने को मिल जाती है और टूल किट प्रोवाइड कराई गई है, 16 inches का आपको स्टील रिम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वन क्लिक की ये बंद हो जाती है, ये दबाया और ये बंद हो गई। तो अगर इसके बैटरी पैक की बात करें, इसके अंदर आपको मेनली टू बैटरी पैक मिलते हैं, 45 kW एंड 55 kW। जो क्रिएटिव है उसके अंदर आपको सिर्फ 45 kW वाला देखने को मिलेगा, अकम्प्लिश एंड एम्पावर्ड के अंदर आपको 45 एंड 55 दोनों बैटरी पैक प्रोवाइड हो जाएंगे। जो 45 है वो आपको पावर प्रोड्यूस करके देगा 148 bhp एंड 215 nm ऑफ टॉर्क, 215 nm ऑफ टॉर्क आपको दोनों वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिलेगा 55 एंड 45, लेकिन जो bhp आपको 55 के अंदर देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी 165 bhp, और दोनों आपको परमानेंट सिंक्रोनस मोटर के साथ प्रोवाइड होते हैं, IP67 रेटिंग के साथ प्रोवाइड होते हैं। तो अगर इसके रेंज की बात करें, 45 के साथ आपको क्लेम्ड रेंज मिलेगी टाटा की तरफ से 502 km, अगर 55 की बात करें उसके साथ आपको रेंज देखने को मिलेगी 585 km। अगर आप इन रियल लाइफ जैसे हम चलाते हैं तो आपको रेंज नियर अबाउट 45 की देखने को मिलेगी 350 से लेके 400 km तक, और उसके बाद अगर 55 की बात करें 50 km और बढ़ जाएंगे। तो इसके अंदर आपको ना एक मैजिकल स्पेस देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको फ्रंक देखने को मिलता है 11.6 लीटर्स का, यहाँ पे आप अपनी प्राइवेट चीजें लगा सकते हैं। और उसके साथ ही एक न्यू चीज आई है टाटा की कार में, इलेक्ट्रिक स्पेशली अकोस्टिक व्हीकल साउंड अलर्ट, यहाँ पे ना ये एक ना वाइब्रेटिंग साउंड रिलीज करता है जिससे ना अगर आप आगे जा रहे हो तो पीछे से अगर ये आए तो पता लग जाएगा आपको कि ये पीछे से कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, और इसकी जो स्पीड है वो 20 तक ही चलेगी। जैसे ही आप 20 की स्पीड से ऊपर गए इसका ये अकोस्टिक साउंड सिस्टम बंद हो जाएगा। और अगर इसके एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, 0 to 100 ये कर लेती है 8.6 seconds में, जो इसका 55 kW वाला है। अगर हम इसके 45 kW वाले की बात करें तो वो नियर अबाउट 9 seconds का एक्सेलरेशन टाइम ले लेता है। तो यही था इसके बारे में। और यहाँ पे आपको चार्जिंग देखने को मिलती है फ्रंट में टाटा के लोगों के पीछे ही। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे नीचे चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी 15 एम्पेयर, देन वी गॉट 7.2 kW, देन वी गॉट 50 kW डीसी चार्जिंग। अगर इसके टाइमिंग की बात करें, जो सबसे नीचे वाला है जो 15 एम्पेयर से स्टार्ट हो जाता है, वो आपको 45 kW वाला जो बैटरी है
चार्ज करके दे देगा नियर अबाउट 17 to 18 आवर्स के अंदर, और जो 55 वाला है वो चार्ज होगा नियर अबाउट 19 आवर्स के अंदर, और जो 7.2 है वो आपको चार्जिंग करके दे देगा यही 5 घंटे तक 45, और जो 6 घंटे लेगा वो लेगा 55 किलोवाट वाला। और जो डीसी चार्जिंग है उसके साथ बहुत ही तेज हो जाती है चार्जिंग, मतलब एक घंटे के अंदर आपकी 10 to 80% फुल कार चार्ज हो जाएगी, चाहे वो 45 किलोवाट वाली हो चाहे वो 55 किलोवाट वाली हो, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। तो बाकी यही था इसके बारे में। अब इसके फ्लैप को करते हैं बंद। इंटीरियर की बात करने से पहले मैं आपको इसकी की दिखाना चाहूंगा, क्योंकि की टाटा ने फाइनली चेंज कर दिया है इसके अंदर। पियानो फिनिश यहाँ पे दी गई है, साइड में आपको मेटैलिक फिनिश कह सकते हैं वैसी फिनिश देखने को मिलती है। लॉक अनलॉक लाइट्स ऑन हो जाएंगी जैसे ही दबाऊंगा, आप आगे देख सकते हैं तो लाइट्स इसकी ऑन हो गई है। उसके साथ ही बूट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक एंड गेस्टर कंट्रोल मैंने बता ही दिया था, इसको होल्ड करके रखूंगा तो ऑटोमेटिकली बूट इसका ओपन हो जाएगा, तो ये हो गया। बाकी गेस्टर कंट्रोल भी मैंने बताया था लेफ्ट स्वाइप करो, तो वो भी इसके अंदर है। अगर मैं इसी को ही होल्ड करके रखूंगा दोबारा तो बूट ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा, तो अभी मैंने होल्ड कर दिया तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, इसके ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी प्रोवाइड कराया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी इसको अनलॉक करता हूँ, ये मैंने की पे कोई बटन नहीं दबाऊंगा, जस्ट इसको दबाया तो अनलॉक हो गई। और हर एक डोर के अंदर आपको एलईडी मिलती है, जस्ट आपको ये दबाना तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप इंटीरियर की लुक देख ही सकते हैं, डुअल टोन आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है। पियानो फिनिश यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगी, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस नीचे आपको 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी, और थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है। अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया। क्रोम एक्सेंट में आपको डोर ओपनर देखने को मिलेगा, ट्विटर विद स्पीकर JBL की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ORVMs के कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी सीट्स वेंटिलेशन के साथ आती हैं, एंड 6-way एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाती है इलेक्ट्रिकली। 4 driver साइड आपको देखने को मिलेगी मैनुअल, लेकिन वो 6-way एडजस्टेबल ही आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो इसकी बात है वो इसके इंटीरियर के अंदर जाके करते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो इंटीरियर के अंदर हम आ चुके हैं, और इंटीरियर की आप लुक देख ही सकते हैं कितना प्रीमियम इंटीरियर है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी सिल्वरिश कार्बन टाइप आपको लुक प्रोवाइड कराई गई है, और यहाँ पे आपको लेदर रेटेड फिनिश देखने को मिल जाएगी विद ब्लू इंसर्ट्स। तो जल्दी से ड्राइवर साइड लुक की बात करते हैं। यहाँ पे आपको हैरियर और सफारी टाइप 4-spoke स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है विद डुअल स्टिचिंग, और ग्रे एंड व्हाइट का मिक्सचर इधर दिया गया। अगर इसको एडजस्ट करके देखें तो ओके, इसके अंदर सिर्फ आपको टिल्ट देखने को मिलती है एडजस्टमेंट, इसके अंदर आपको रीच एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलती, वो सिर्फ आपको टाटा और हैरियर के अंदर देखने को मिल जाती है। सेम ही आपको स्टीयरिंग व्हील है, इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो, और कंट्रोल्स भी इल्यूमिनेटेड आएंगे। इधर की साइड कंट्रोल टस्किन के लिए, इधर की साइड कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर आपको प्रोवाइड हो जाता है बेस वेरियंट से, मेनली जो इसका बेस वेरियंट है उधर से ही आपको इसके अंदर क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, एंड एयर प्यूरीफायर भी आपको इसके बेस वेरियंट से ही देखने को मिल जाता है। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, और एनिमेशन देखना कितनी बढ़िया आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 10.25 इंच डिजिटल डिस्प्ले देख लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए, टाटा मोटर्स लिखा आ रहा है, और स्वाइप देखिए कितना बढ़िया होता है। पहले इसके एसी को कर देते हैं ऑफ, क्योंकि आवाज बहुत आएगी। तो यहाँ पे आपको रेंज वगैरह बताएगा, 56% अभी चार्ज्ड है, सिटी मोड पे अभी कार लगी हुई है, ट्रिप इन्फो बता रहा है। अगर इसको चेंज करे तो रेंज बताएगा, ट्रिप बी ए, बस यही कुछ दिख रहा है। बाकी उसके साथ आपको ड्राइवर असिस्ट मिल जाता है, व्हीकल इन्फो, टायर प्रेशरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम इसके साथ प्रोवाइड हो जाता है, एनर्जी एनालिटिक्स, और उसी के साथ और भी कई सारी चीज़ें देखने को इसके अंदर मिल जाती हैं। अगर सभी चीज़ें बताने बैठ गया तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। हाँ, बाकी मैं 2 चीज़ें जरूर बताना चाहूँगा जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। अगर हम नेविगेशन चलाना चाहते हैं, मेनली तो ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर इस जगह चलती है, लेकिन हम इधर से नेविगेशन उठा के इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं इसको। सॉरी, ये अपने आप ही ऑन हो जाता है जब आगे कोई आता है। तो अगर क्या है, नेविगेशन यहाँ पे अगर दी जाती है तो आप इसको इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं फॉर द कन्वीनियंस। जैसे ही आप सामने देख रहे हैं तो नीचे भी आपको साथ ही साथ शो हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपके ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, जैसे ही अगर हम इंडिकेटर देते हैं तो देखिए वहाँ पे जग रहा है, अगर हम इधर का देते हैं तो इधर की साइड जग रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसको बड़े व्यू में देखना तो हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। हमने जस्ट जाना है सेंटर कंसोल एंड क्विक सेटिंग, ड्राइवर असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, और इसके अंदर आपको दिया गया इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। तो ये 12.3 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है जिसके अंदर आपको बड़ा सा दिखेगा, देखिए कितना बड़ा व्यू आ रहा है। तो अगर इधर का इंडिकेटर दूं तो इधर का भी शो कर देगा। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। बाकी और फीचर्स की बात करें
तो यहाँ पे आपको Amazon Alexa मिल जाता है। वैसे बेस वेरिएंट से ही आपको इसके 4 वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो Alexa है वो आपको इसके टॉप एंड मॉडल Empowered के अंदर ही देखने को मिलेगा। AQI एयर फिल्टर देखने को मिलता है, डिस्प्ले वो भी Empowered के अंदर मिलता है, लेकिन जो एयर प्यूरिफायर सिंपल है वो आपको बेस वेरिएंट के अंदर ही प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी बहुत सारे फीचर हैं, अगर आप इसकी डेडिकेटेड वीडियोस चाहते हैं तो आप बता देना, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। JBL मोड्स मिल जाते हैं, लाइक इसके अंदर आप इक्वलाइज कर सकते हैं इसकी आवाज को, वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी जो इसकी फुल सेटिंग है वो आपको एक अलग सी वीडियो बना के दिखा देंगे, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आपने देखनी हो तो। एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाती है, स्लीक सी दी गई है, और इसके रूफ के अंदर भी आपको देखने को मिल जाती है, लाइक जो टाटा सफारी एंड हैरियर के अंदर देखने को मिली थी हमें। और यहाँ पे आपको टच कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, 360 तो मैंने दिखाई दिया था आपको, लॉक अनलॉक, बूट ओपन करना, हजार्ड, हिल असिस्ट, और यहाँ पे आपको बैटरी के ऑप्शन मिलते हैं, उसी के साथ ही आपको डिफॉगर, और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया फीचर मिलता है, लाइक अगर आपने कार को चार्ज लगाया तो जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे जो लॉक वाला है तो चार्जिंग गन ना लॉक हो जाती है। अगर कोई जानबूझ के आपकी चार्जिंग को स्टॉप करने की कोशिश करे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लॉक हो जाएगा वहां पे चार्जिंग सिस्टम, कोई भी उस गन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। उसी के साथ ही एक्सप्रेस कूलिंग मिल जाती है, जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे हैं और आपको बहुत भड़ासी लग रही है तो जैसे ही इसको ऑन करेंगे 2 मिनट में आपकी कार ठंडी हो जाएगी। ऑटोमेटिक एसी आपको ऑब्वियसली है, टॉप मॉडल है तो ऑटोमेटिक एसी तो मिलेगा ही। उसी के साथ ही आपको 45 वॉट का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी, लैपटॉप तक चार्ज कर सकते हैं। उसी के साथ ही USB पोर्ट, 12 वोल्ट सॉकेट, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स। देखिए जैसे ही मैं मोड चेंज करूंगा तो इसकी रेंज भी चेंज होगी। इको में आपको शो कर रहा है 287, सिटी ड्राइव मोड Activated. 271. Sport drive mode. उसके अंदर आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है। उसी के साथ ही आपको देखने को मिलेगा ग्लव बॉक्स, सबसे बड़ा, 2 कप होल्डर्स, थोड़े से मैगजीन वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हैं, लाइट प्रोवाइड कराई गई है, और कूलिंग सबसे बढ़िया फीचर आपको इसके अंदर प्रोवाइड हो जाता है, ऑटो डिमिंग IRVM, टिकट होल्डर इधर की साइड प्रोवाइड होता है, और इधर की साइड आपको प्रोवाइड होता है वैनिटी मिरर। यहाँ पे SOS कॉलिंग फीचर दिया गया है, LED लाइट प्रोवाइड कराई गई है, एयर बैग का शो कर रहा है कि ऑन है या ऑफ, और ड्राइवर के उधर की साइड डैशबोर्ड के इधर आपको एक पॉइंट दिया गया है जिससे आप इसका एयर बैग ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। 1 क्लिक सनरूफ है, वॉइस असिस्टेंट के साथ भी ये आ जाती है, पैनोरामिक आपको दी गई है, और जैसे ही ये फुल खुल जाती है उसके साथ वॉइस असिस्टेंट के साथ भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं, तो 1 क्लिक की इसको बंद कर देते हैं। तो यही था इसके फ्रंट के बारे में। बाकी अगर इसके स्पीकर्स की बात करें, 4 स्पीकर 4 ट्विटर एंड 1 सबवूफर का आपको इसके अंदर साउंड सिस्टम देखने को मिल जाता है जो JBL पावर्ड है। मैंने इसकी आवाज सुनी है, क्या तो ये बेस प्रोड्यूस करती है, सुनिए अभी आप। तो मैंने ब्लूटूथ इसके साथ कनेक्ट कर लिया और मैंने चूज किया नॉन कॉपीराइटेड पंजाबी म्यूजिक, तो लेट्स लिसन। तो मुझे तो म्यूजिक भाई क्या कमाल का लगा, इतनी बढ़िया बेस है ना JBL की, मैं क्या बताऊं। हमेशा मैं ना JBL के बेस का फैन रहा हूं, क्योंकि जो ये कार के अंदर बेस प्रोड्यूस करते हैं ना मजा आ जाता है बैठ के। तो बाकी आप बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसे लगी इसकी साउंड, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी है। तो अब इसके रेयर सीटिंग की बात कर लेते हैं। तो रेयर सीटिंग पे हम आ चुके हैं और मेरे पास लेग रूम इनफ है, थाई स्पोर्ट भी ठीक है और हेडरूम भी ठीक ठाक है। अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी ग्राउंड क्लियरेंस 186 in 45 kW एंड 190 in 50
55 किलोवाट। जो इसका व्हील बेस है वो आपको देखने को मिलेगा 2560 mm का। अगर इसके सीटिंग की बात करें, लेदरेटेड सीट्स आपको प्रोवाइड हो जाती हैं फुल कार के अंदर, और जो आगे वाली सीट्स हैं जो ड्राइवर साइड है मेनली, वो आपको 6-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिलेगी, और जो को ड्राइवर साइड है वो भी 6-way एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाएगी, और दोनों आपको वेंटिलेशन के साथ प्रोवाइड हो जाएंगी। बाकी अगर डोर लुक की बात करें, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया, हुक यहाँ पे जो होता है कोट हुक वो नहीं प्रोवाइड कराया गया, एलईडी लाइट आपको देखने को मिल जाती है, इधर की साइड भी मिल जाती है, हाँ यहाँ इधर की साइड आपको कोट हुक देखने को मिल जाता है, इधर पता नहीं क्यों नहीं दिया। बाकी पीछे भी आपको 1 speaker एंड ट्विटर प्रोवाइड कराया गया, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिलती है। तो यही था इसके बारे में। बाकी अगर इधर देखें तो आर्मरेस्ट के अंदर आपको 2 cup holders मिल जाते हैं, 3-point seat बेड मिल जाती है, और जो इसका रिक्लाइनिंग है वो भी आप 2 step एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक एक तो अभी एडजस्ट है, एक अभी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, तो देखिए मैं थोड़ा सा और रिक्लाइन हो सकता हूँ फॉर द गुड कंफर्ट। बाकी एयरबैग की बात करें, इसके अंदर टोटल आपको 6 airbag स्टैंडर्ड देखने को मिल जाते हैं, ABS, EBD और भी कई सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इसके साथ प्रोवाइड हो जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा। बाकी 2 headrests आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एडजस्टेबल, सेंटर में आपको कोई हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। तो यही था इसके बारे में। बाकी यहाँ पे आपको AC वेंट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, चार्जिंग पॉइंट दिया गया 45 पीछे भी, जिससे आप पीछे बैठ के भी अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया लगा। बाकी यही था। इसके अंदर एक यूनिक चीज देखने को मिली, जो इसके पॉकेट्स हैं वो नहीं इसके अंदर प्रोवाइड होते, ये क्या बात हुई? बाकी आप बताइएगा आपको कैसा लगा, कि यहाँ पे पॉकेट होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे। तो अब बाहर चलते हैं आप। तो यही था हमारा छोटा सा रिव्यू रिगार्डिंग टाटा कर्व .EV। बाकी आप बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसे लगी ये कार। अगर इसके वारंटी की बात करें तो आपको मेनली बैटरी प्लस मोटर की वारंटी देखने को मिल जाएगी, 8 years 1,65,000 किलोमीटर्स की, और अगर व्हीकल की वारंटी की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगी 3 years 1,25,000 किलोमीटर्स की, और इसके साथ आपको कलर वेरियंट्स टोटल प्रोवाइड होते हैं 6। इसके साथ ना मतलब क्या है, जो क्रिएटिव एंड अकम्प्लिश है उसके साथ आपको व्हाइट कलर एक अलग प्रोवाइड होता है, और जो एम्पावर्ड है उसके लिए एक स्पेशल कलर व्हाइट दिया गया ऑक्साइड व्हाइट, तो उसके साथ ये 6 हो जाते हैं। वैसे क्रिएटिव के अंदर आपको 3 color variants देखने को मिलते हैं, अकम्प्लिश के अंदर 4 एंड एम्पावर्ड के अंदर 5। तो अगर इसके प्राइसिंग की बात करें, स्टार्टिंग इसकी प्राइसिंग की हो जाती है 17.50 lakh से, और टॉप मॉडल की कीमत आपको देखने को मिलेगी 22 lakh रुपीज एक्स शोरूम। ये प्राइजेस मैंने एक्स शोरूम ही बताए हैं, एंड स्पेशल थैंक्स टू दादा टाटा जिन्होंने हमें ये कार प्रोवाइड कराई है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आप मिस ना करें। तो मिलते हैं एक और नए दिन और एक और नई कार के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।